साहब 20वां दिन निर्णायक होगा केके सिंह साहब के अकॉर्डिंग, और उनका ये कहना है कि इसको माइक्रो लेवल पर नहीं, इसको मैक्रो लेवल पर सोचा जाना चाहिए। एक बड़ा गेम है, इसको सिर्फ यूक्रेन तक मत सीमित करिए। ये अमेरिका दरअसल ये चाहता है कि रूस इसी में उलझा रहे ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में उसे एडवांटेज मिल सके। आप भी इसको इसी नजरिए से देखते हैं? हाँ, जहाँ तक जनरल सिन्हा साहब ने कहा है कि भाई ये जो है इसको मैक्रो लेवल पे देखना चाहिए, यस, इसको मैक्रो लेवल पे ही देखना चाहिए। और मैं एक 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 चीज़ और इसके अंदर रीइन्फोर्स करूँगा, जो अमेरिका चाहता है कि रूस इसके अंदर फंसा रहे, साथ में चाइना भी दूसरी तरफ से चाह रहा है कि वो भी इसके अंदर रूस फंसा रहे, वो बहुत खुश है इससे, क्योंकि चाइना का एम है कि वो अनडिस्प्यूटेड सुपर पावर हो। वो तो वेट एंड वॉच पॉलिसी। हाँ, सो वेट एंड वॉच, तो उसमें अभी उसको जो है इन दो के साथ वो करना पड़ रहा था, चैलेंज सहन करना पड़ रहा था। अब ये अगर ये जो है रूस उसके अंदर एंटेंगल हो जाता है, उसी इकोनॉमी ये जो है डिस्टर्ब हो जाती है और ये मिलिट्री पोजिशन भी, तो उसको सिर्फ उसके साथ चैलेंज करना पड़ेगा। इकोनॉमिक पोजीशन, उसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे? आपको लगता है कि पुतिन जैसा लीडर उसने उसके बारे में नहीं सोचा होगा? नहीं, जहां तक ये जो पुतिन का सवाल है, मैं सिर्फ दो चीजें बताऊंगा, मैं कहना चाहता हूँ इसके अंदर। सबसे पहले तो ये है कि पुतिन बहुत स्ट्रांग विल्ड है एंड ही इज द अनडिस्प्यूटेड पावर ही हैज इन रशिया। वो किसी की सुनते नहीं है, ना ही उनसे कोई वो कर सकता है डिसेंट, वो उन्होंने सब खत्म कर रखा है। ये वाली जो जो इन्होंने ये इसकी ये जो प्लान करा है, ये उन्होंने चाहे कोई कुछ भी कहे, बिल्कुल एनालिसिस में ठीक आता है। उन्होंने सोचा था कि भाई यहाँ पे जो है दो तीन दिन के अंदर जाकर हम इसको जो है कैपिचुलेट कर देंगे गवर्नमेंट को, ये नहीं कि कीव को कैप्चर करेंगे, गवर्नमेंट को कैपिचुलेट कर देंगे और उसके बाद जो है रिजीम चेंज करके जो हमारी फ्रेंडली होगी वो, और वो जो है नाटो का मेंबर कभी नहीं बनेगी और हमारा काम ये हो जाएगा। पर उन्होंने ये फैक्टर नहीं किया कि ये जो जेलेंस्की हैं, जो उनका इनएक्सपीरियंस था पहले, वो जो है इसके अंदर अब एक हीरो की तरह अपने आप को उन्होंने उभार लिया है, वो एक बैटल गियर के अंदर आके वो कर रहे हैं। इस नजरिए से भी देख रहे हैं कि रूस ने पहले उन्हें चेताया था, उनको वार्निंग दी थी, उसको मानना चाहिए था, तो ये स्थिति पैदा ही नहीं होती, तभी आप शायद इनएक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं यही मैं कह रहा हूँ, तो वो तो उस टाइम की बात थी कि वो इनएक्सपीरियंस थे और वो भी प्रवोक करते गए और ये भी जो पुतिन है वो भी उनको। पर एक बात, जब वो स्थिति चली गई, अब जो प्रेजेंट स्थिति है उसके बारे में हमें बात करना चाहिए। अब जो जेलेंस्की हैं, अब वो ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि भाई वो बिना सी, उनके लिए मिनिमम जो है उनको जो है इससे भरने के लिए सीज फायर चाहिए, तभी जाके आगे बातचीत हो सकती है। वो कभी भी वो नहीं कर सकते सरेंडर, अब वो कैसे अपना मुंह दिखाएंगे। दूसरा, ये जो है पुतिन, ये जो रशिया की एक और जो इसके अंदर जो मिस्टेक हुई, जो उन्होंने सोच विचार के अंदर किया, उन्होंने ये फैक्टर नहीं किया कि भाई ये जो यूक्रेन की जो आर्म फोर्सेज हैं वो 7 साल से जो है काउंटर इंसर्जेंसी का उनके पास एक्सपीरियंस है, वो डॉनबास एरिया के अंदर उन्होंने यूक्रेन को, हाँ, ये आप कह रहे हैं कि उनकी एक गलती थी, उनकी एक गलती थी, अभी वही गलती जो है इनको जो है इसके अंदर फंसा देगी अगर वो करेंगे। यहाँ कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने सेकेंड डे या थर्ड डे थोड़ा सा अपनी फोर्सेस को धीमा कर दिया था, मूवमेंट स्लो हो गई थी, एब्सोल्युटली बंद कर दी थी, जो इस बार नहीं की है, जो इस बार नहीं की है, इस बार नहीं की है और नहीं करेंगे। अब देखिए, एक यदि है आपके साथ मैं कुछ बताना चाहूंगा। बिल्कुल सर, देखिए बहुत अच्छा है यू नो कि चेस के गेम में किसी को मात दे दो सह को, वो तो आप कभी भी मात दे सकते हैं, पूरी फौज खड़ी हुई है, आप उसके दूसरे को मात कर दीजिए, एक भी सिपाही को नहीं मारिए, होता है। चेस की गेम एक खेली जा रही है और इस चेस के गेम में कोई खेलने वाला अमेरिका है, इधर से रशिया खेल रहा है। उसने क्या क्या स्ट्रेटेजिक एम अचीव कर लिया है पुतिन को, ये वेस्टर्न मीडिया नहीं बताएगा और हम भी एनालाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हम वेस्टर्न मीडिया से हमारी सोच भी चलती है, हम देखते हैं कि टीवी में क्या आ रहा है, हम उसको बोलेंगे। इसको बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और क्योंकि आप अपने यू नो अपने नॉलेज को आप बताना चाहते हैं। देखिए, अमेरिका कहता रहा डोंट वरी, ये 3 दिन पहले की बात है, जिस दिन ऑपरेशन कहता रहा वी विल इंटरवीन, और पूरा नाटो कहा हम इंटरवीन करेंगे। जब इंटरवीन कर दिया, अमेरिका कहता हम नहीं आएंगे, फ्रांस कहता मैं नहीं आऊंगा, हम पैसे देंगे, हथियार दे देंगे, मैं नहीं आता, लड़ो आप, हाँ उसमें आप कोई विश्व सुंदरी है वो हथियार उठा लेती है, बहुत अच्छा है। देखिए, हार्ड बैटल्स ऐसे नहीं लड़े जाते,
सोशल मीडिया एक फैक्टर है, आपको करना पड़ेगा। और बहुत इस बार आप कह रहे हैं ना पुतिन को, इतना पुतिन ने पूरी स्ट्रैटेजी डॉक्ट्रिन बदल दी लड़ाई करने की। ये हम लोग पुतिन को समझते हैं ना कि आएगा पूरा का पूरा, उसने मारना है उसको, उसमें गिरा देना है, कीप को पकड़ लेना, रणनीति में बदलाव पूरा है और उसके सोल्जरों में लाया है।